जगदा बाबू नाराज चल रहे हैं ऐसी खबर चल रही थी, लेकिन लगातार 58 दिन के बाद आखिरकार राजद कार्यालय, राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू पहुंचे हैं। और इसको लेकर के आज तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि जगदा बाबू को आप नहीं जानते हैं, वो क्यों नहीं आ रहे थे आप लोग नहीं जानते हैं। जिस तरह से वो लगातार नहीं आ रहे थे, इसको लेकर के खबर चल रही थी कि जगदा बाबू अब प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे, तो कभी निकल के आ रही थी कि अब जो है बड़े नेता है अब्दुल बारी सिद्दीकी, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाए, लेकिन आखिरकार जगदानंद सिंह को मना ही लिया गया और तेजस्वी यादव आज साथ लेकर राजद कार्यालय पहुँचे हैं। और इसको लेकर के वो साफ तौर पर कहते नज़र आ रहा है कि जगदा बाबू को आप नहीं जानते हैं, आप लोग भ्रामक खबर नहीं फैलाइए। और भी क्या कुछ करें पहले आप वो सुने। सर, जगदा बाबू आज 2 महीने बाद पहुंचे हैं प्रदेश कार्यालय, आप लेकर आए उनको? देखिए, आप लोग जगदा बाबू जी को पहचानते ही नहीं थे, अभी भी आप लोग नहीं जानते। आप लोग जो सोच रहे थे वैसी कोई बात थी नहीं। खैर, इस पे अलग बहस करने का कोई मतलब नहीं है, जिस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं है उस पे क्या बहस किया जाए। तो हम लोगों का कहना है कि पार्टी के संगठन को लेकर के जो पार्टी का जो एजेंडा हम लोगों का चल रहा था, अब तो पार्टी जो है सत्ता में है, तो आज का जो कार्यक्रम जो था, जो सुनवाई कार्यक्रम जहां राष्ट्रीय जनता दल के 2 मंत्री जो हैं सुनवाई करते हैं और लोगों से मिलते हैं, उनकी जन जो परेशानियाँ होती हैं उसको हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि उसको दूर किया जाए, तो इस सिलसिले में हम आगे देख लें। और आप सब लोग जान रहे हैं कि कुर्दी में जो चुनाव है उसको देखते हुए भी जो महागठबंधन के उम्मीदवार जनता दल यूनाइटेड से हैं, तो हम सभी पार्टियां महागठबंधन के लोग कुर्दी विधानसभा कैसे जीते इस पर भी चर्चा हुई। और आप तो कल जान ही रहे कि आदरणीय ललन सिंह जी के साथ कल मेरा, सिद्दीकी जी और हम लोग सब लोग, मांझी जी, कल कुर्दी में 3 जगह हमारी सभा भी है, तो उसके लिए भी हम लोग जो है चर्चा हम लोग कर रहे थे। आप लोगों को अपना व्यू मत दीजिए, या आप लोग बात सुन लो, तो ये जो सवाल नहीं, ये आपका व्यू है, ये खबर थोड़ी ना है। अरे भाई, आप जानते हैं क्या कि हम जानते हैं उनको बेहतर ढंग से। चलिए, तो आपने साफ तौर पे सुना उनका कहना है कि कुर्दी विधानसभा में उपचुनाव होना है और हमारा और ललन सिंह का कल वहाँ पे रैली भी है, हम लोग वहाँ भी जाएंगे। लेकिन जिस तरह से ये खबर निकल के आ रही थी कि जगदा बाबू नाराज चल रहे हैं, तेजस्वी यादव ने साफ कहा है कि जगदा बाबू को आप लोग नहीं जानते। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।